इंदौर पुलिस ने 70 करोड़ के ड्रग्स रैकेट के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक कोरोना काल में ड्रग्स पेडलर ने इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के नाम पर ड्रग्स बेच दिया। सदर बाजार इलाके में रहने वाले ड्रग्स पेडलर रईस ने झुग्गी बस्ती और गरीब वर्ग के लोगों को अपना निशाना बनाया, जिन्हें आसानी से इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के नाम पर ड्रग्स बेच दिया करता। उसने दवा के नाम पर करीब 100 से अधिक लोगों को ड्रग्स का शिकार बनाया। व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कोरोना में अगर कोई परेशान है या लगता है कि उसको इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए, तो उस बात का हवाला देते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगी। एक युवा जो कि एक बेहतर स्वास्थ्य चाहता है, कई बार वो अपने बेहतर कभी जिम जा रहा है बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तो इस सारे शॉर्टकट्स के चक्कर में, यानी कि एक मेहनत करके हम स्वास्थ्य बनाए उससे ज़्यादा है कि एक हम ड्रग्स ले लें और हमारा हेल्थ बन जाए, एक महज मुगालता है। और इस तरह के अपराधी इस तरह के जुमलों का सहारा लेते हैं, इसलिए